my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what. Hello friend, आज आप हमारे साथ बहुत सारे प्लांट देख रहे हैं और काफ़ी फ्रेश हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट हैं, तो आज हम आपके साथ बात करेंगे मनी प्लांट की। देखिए मनी प्लांट यदि आप छोटी सी कटिंग भी लेके आते हैं ना, तो यदि आप उसको लगाते हैं, चाहे पानी में लगाइए चाहे सॉइल में, वो बिल्कुल बहुत आसानी से लग जाती है। देखिए किसी भी प्लांट का लग जाना एक अलग बात है, लेकिन सभी को ये चाहते हैं कि प्लांट जो हो तो हमारा हरा भरा हेल्दी हो और साथ में ग्रोथ अच्छी हो, तो ये सभी कोई चाहते हैं। और मनी प्लांट तो एक ऐसा प्लांट है जो कि काफ़ी लोग लगाते हैं और काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं। इसकी कई जो हैं तो वैरायटी भी हमको देखने को मिलती है। तो जो आप हमारे पीछे मनी प्लांट देख रहे हैं, तो ये हम कटिंग लेके आए थे अपने सिस्टर के यहाँ से। वहाँ समझिए कि करीब एक साल के अंदर ही हमने इतने सारे प्लांट तैयार किए हैं और छोटी छोटी दो तीन कटिंग लेके आए थे, जिसके कारण कि काफ़ी सारे प्लांट हमने तैयार किए हैं। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे कि इसकी जो देख रेख तो ठीक है कि कैसे क्या करना है। आपको आज हम बताएंगे दो ऐसी चीज़ें जो कि यदि आप मनी प्लांट में डालते हैं ना, तो सोचिए कि आपके जो मनी प्लांट की ग्रोथ होगी ना, तो वो दुगनी तिगनी तो हो ही जाएगी। और साथ में आपको बता दें कि काफ़ी हेल्दी होगा प्लांट और उसके जितने भी लीव्स वगैरह हैं तो वो बड़ी आने लगेंगी और साथ में ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा लेगा, मतलब ये बढ़ेंगे बहुत अच्छे से और काफ़ी फ्रेश प्लांट जो है तो आपको मिलेंगे। तो इस तरह से यदि छोटी मोटी हम केयर कर लेते हैं, वैसे तो मनी प्लांट बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है, आप इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे तब भी ये बहुत आसानी से चलेगा, लेकिन यदि हम थोड़ी सी देख रेख कर लें, अपने प्लांट को खूबसूरत बना दें, तो बात ही क्या है। देखिए हम भी अपने लिए बहुत केयर करते हैं, अपने घर की देख रेख करते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, तो इसी तरह से यदि हमारा प्लांट भी खूबसूरत होगा, सुंदर दिखेगा ना, तो हमको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज यही दो चीज़ें हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, दो या तीन चीज़ें जितना भी हो सकेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सोचिए कि आपका प्लांट हेल्दी होगा, ग्रोथ अच्छी लेगा और साथ में बिल्कुल हरा भरा होगा, उसकी लीव्स वगैरह जो है तो काफ़ी अच्छे कलर में आएंगी, ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा आएगा और साथ में देखने में भी खूबसूरत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने काम की तरफ और देखते हैं कि क्या काम हमको करना है। तो चलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यदि एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो सोचिए कि काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी होती है और एक एनर्जी मिल जाती है, जिससे लगता है कि हमको अपने वीडियो जो है ना तो और अच्छे बनाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छे वीडियो आपके साथ अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो जो है तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले देखिए आपको अपना छोटा सा गार्डन दिखा दें, ये स्मॉल स्पेस गार्डन है हमारा और इधर पर सारी ही प्लांट्स जो हैं तो काफ़ी हेल्दी प्लांट है और इधर पर आप मनी प्लांट देख लीजिए कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये पूरे ही जो हैं तो हमने छोटी छोटी कटिंग से लगाए हुए हैं और इधर पर देखिए जो ये वाला प्लांट है ना तो काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है और काफ़ी कुछ नए नए पत्ते जो हैं तो इसमें आ रहे हैं। बस थोड़ी सी देख रेख हम करते हैं, ज़्यादा नहीं, उसके बाद भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इनकी जो पत्तियाँ वगैरह हैं तो काफ़ी फ्रेश हैं और बिल्कुल छोटी छोटी नई नई इसमें लीव्स आ रही हैं। तो इस तरह से यदि, और देखिए इधर पर ये जो स्टिक लगाई हुई है ना तो ये हमने ही बनाई थी और इस पर रस्सी लपेट दी थी। इससे क्या होता है ना कि यदि आप मॉस स्टिक बनाते हैं अपने प्लांट के लिए, तो फिर ये बहुत अच्छे से उस पर चढ़ जाता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है। तो चलिए इसके साथ कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करें कि किस तरह से इतना खूबसूरत सा हमारा छोटा सा गार्डन है और साथ में उसे मनी प्लांट जो हैं तो इतने फ्रेश कैसे हैं। एक देखिए ये छोटी सी स्टिक लगाई थी और एक जो है तो बड़े प्लांटर में बड़ी स्टिक लगाई थी। तो सबसे पहले देखिए इधर पर जो भी हमको करना था अपना लेके आ गए थे, कुछ हमने पानी में भी मनी प्लांट लगाए थे, तो देखिए इधर पर आपको दिखाने के लिए कि देखिए इधर पर कितने अच्छे से पानी में भी हमारा ग्रो कर रहा है ये मनी प्लांट। और साथ में देखिए इस तरह से इसमें डालने के लिए ये कुछ इस तरह से बनाया है। ये क्या बना हुआ है चलिए आगे देख लेते हैं।
तो सबसे पहले देखिए, इधर पर आप ले लीजिए करीब 1 ग्लास करीब पानी ले लीजिए इस तरह से, और साथ में इसमें 2 चम्मच आप जो है तो दूध डाल देना है, और दूध कच्चा होना चाहिए, पका हुआ बिल्कुल ना हो। कच्चा दूध लेके इसको बहुत अच्छे से इस तरह से चला दीजिए, और ये जो है तो हमारे प्लांट के लिए, हमारे मनी प्लांट की पत्तियों के लिए और उसकी रूट्स के लिए जो है तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आपको बता दें कि ये एक कंप्लीट डाइट कहलाती है, जो दूध है इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं तो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए यदि हमारे लिए ये इतना अच्छा काम कर सकता है तो सोचिए हमारी प्लांट के लिए ये कितना अच्छा काम करेगा। लेकिन डायरेक्ट दूध को ना डालिए, क्योंकि इसमें शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके कारण कि इसमें चींटी वगैरह लगने का डर हो सकता है। तो देखिए, इसको पानी में आप घोल लीजिए, सिर्फ 2 चम्मच, 1 ग्लास बड़े ग्लास भर के पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच आप दूध का डाल दीजिए, कच्चा दूध डालिए, और सारे ही प्लांट में आप इस तरह से उनकी रूट्स में दे दीजिए, और इसके साथ ही आप रूट्स में देने के साथ ही इस पे आप आराम से स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से बॉटल में भर लीजिए, ये हमने अपने DIY में शेयर किया था, ऊपर ढक्कन पे छेद कर दिया था, और पूरे ही प्लांट्स पे आप देखिए पत्तियों पे इस तरह से यदि इसका स्प्रे करेंगे ना तो आपकी लीव्स जो हैं तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी, इनके कलर बहुत अच्छे आएंगे, और साथ में इनकी जो कहना चाहिए कि साइज भी है तो वो धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी। तो इस तरह से देखिए कि आपका दूसरा, आपको बता दें कि दूसरी चीज़ हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, तो इसमें फ्रेश चाय की पत्ती ली है जो कि हम चाय बनाते समय यूज़ करते हैं, तो फ्रेश ली है, और इसको हमने 1 चम्मच छोटे प्लांट में, आप प्लांट के हिसाब से छोटे बड़ा है तो उस हिसाब से छोटे प्लांटर में हमने 1 चम्मच चाय की पत्ती ली है, और साथ में इसको आप गुड़ाई कर देंगे। इसके अलावा बता दें कि जब चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है तो उसको हम छान के और साथ में उसको अच्छे से क्लीन कर लें, पानी में साफ कर लें, और उसको ड्राई करके भी हम दे सकते हैं। तो जैसे कि ये बड़ा प्लांटर हमारा है तो इसमें करीब हमने 3 चम्मच करीब चाय पत्ती डाली थी, और यदि आप कहना चाहिए कि चाय पत्ती चाय बनने के बाद वाली यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ी सी, जैसे इसमें आपने 1 चम्मच डाली है तो इसी प्लांटर में आप 2 चम्मच डालेंगे, और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं तो गुड़ाई करने के बाद इसमें आ जाते हैं। यदि आप गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो जब हम इसे पानी देते हैं तो धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं तो रूट्स में चले जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे ही मनी प्लांट्स जो हैं तो काफ़ी अच्छे से ये देखिए ग्रो कर रहे हैं, और काफ़ी फ्रेश हैं, हेल्दी हैं। तो इस तरह से यदि आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, छोटी थोड़ी भी केयर करते हैं ना, तो आपका जो बगीचा है, आपका जो गार्डन है, तो वो बिल्कुल हरा भरा और सुंदर रहेगा। तीसरी चीज़ एक और आपके साथ हम शेयर करते हैं कि देखिए जो एलोवेरा होता है ना, ये हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जैसे स्किन के लिए, हेयर के लिए, और साथ में हमारे प्लांट के लिए। तो इधर पर पानी में हमने डाल दिया है और 3-4 घंटे इसको इस तरह से डला रहने दिया है, और इसको छान के बॉटल में डाल के और इसका भी हमने स्प्रे किया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है स्प्रे करने के लिए, इसकी लीव्स जो हैं तो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, और इसका पूरा जो कहना चाहिए कि जेल होता है तो पानी में आ जाता है, और इस तरह से देखिए इसका कलर जो है तो चेंज हो गया है, और बस इसको छान के और हमको पानी में स्प्रे कर देना है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।